ये बाजार समिति का बहुत गंदा दृश्य है, सड़क रोड वगैरह बहुत खराब। दोस्तों आज फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, और निकल रहे हैं हम आज, दुकान डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं आज, हम बाजार समिति जाएंगे, कुछ फल वगैरह खरीदना है, परिवार में कुछ ओकेजन है, तो हम चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट बाजार समिति और वहाँ देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। और दोस्तों हम लोग निकल गए हैं बाजार समिति जाने के लिए, थोड़ा फल वगैरह खरीदना है। कल तिलक है घर में बच्ची का, तो हमारे साथ हमारे भतीजा, ये नाम बताइए अपना। आर्यन, क्या करते हैं आर्यन जी? क्या सब्जेक्ट है आपका? अच्छा, ये देखिए अंकित है मेरा भतीजा, ये भी इंजीनियरिंग कर रहा है। क्या इंजीनियरिंग में कौन सा आपका है? मेरा आईएससी डिपार्टमेंट है। अच्छा, बेंगलोर से आप लोग कर रहे हैं। कॉलेज का क्या नाम है? न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा, देखिए ये सब हमारे भतीजे हैं, बेंगलोर से कर रहा है सब इंजीनियरिंग, शादी में आया है तो जा रहे हैं हम लोग फल वगैरह खरीदने, तो हमारे साथ बने रहिए। और सामने हम लोग आ गए हैं आरा बाजार समिति। आरा बाजार समिति के बाहर का दृश्य है ये, देखिए बाजार समिति आरा का कैसा है। और यहाँ फल वगैरह मिलता है बहुत बहुतेरे मात्रा में, तो थोक लेना है तो देखिए। बाजार समिति के अंदर का दृश्य है, हम लोग के मित्र हैं मंटू पांडे, उनके हम लोग जाएंगे और उन्हीं के माध्यम से सारा फल वगैरह लेंगे। ये बाजार समिति का बहुत गंदा दृश्य है, सड़क रोड वगैरह बहुत खराब है। हमको लगता है कि पूरे भारतवर्ष में बरसात में बाजार समिति का यही दृश्य हो जाता है। देखिए हम लोग बाजार समिति में आए हैं, बहुत गंदा दृश्य, घूम के फिर दूसरे तरफ जा रहे हैं। इधर से चलिएगा, यहाँ से घुमा हुआ है रास्ता, वहां से गाड़ी वाला आ रहा है। ठीक हो गया? हाँ, बहुत सारा दिख गया। क्या हाल चल रहा है? जिंदा बोल। दोस्तों ये आरा बाजार समिति का दृश्य है, देखिए आरा का प्रसिद्ध बाजार समिति, फल मार्केट है ये, यहाँ सारा फल मिलता है। हम लोग फल लेने ही आए, मंटू जी के यहाँ से हमारे मित्र हैं, ये केला कहीं का आरा में बहुत प्रसिद्ध गोला है, तो इन्हीं के यहाँ से केला लिए हैं। उधर सारा सामान मिल रहा है, अब एक आदमी के और यहाँ जा रहे हैं मुन्ना जी के यहाँ, तब उनके यहाँ से फल लेंगे। मुन्ना जी के गोला में हम लोग आ गए हैं, सेव लेना है, आइए हमारे साथ। मुन्ना जी के गोला में से हम लोग लिए हैं सेव, संतरा, अनार और ये आम। देखिए यही मुन्ना जी हैं हमारे मित्र। दोस्तों मुन्ना जी के यहाँ से हम लोग फल खरीद लिए हैं, जिसमें एक पेटी सेब है, एक पेटी संतरा है, एक पेटी अंगूर है और एक पेटी आम है। ये टोटल फल हम लोग खरीद ले। देखिए मुन्ना जी का दुकान कितना भयंकर, देखिए मुन्ना जी का दुकान है, मुन्ना जी से आपको मिलवाए हैं। उधर मंटू जी से हम लिए थे बाजार समिति में, आरा का बाजार समिति थोक मार्केट फल का यही है। दोस्तों दुकान आ चुके हैं, दुकान आने में आज देर हो गया, चूंकि फल वगैरह खरीदना था, आपको दिखेवे किए हैं, बाजार समिति जाना था तो थोक मात्रा में ज़्यादा फल लेना था तिलक में देने के लिए, तो फल ज़्यादा लेना था तो हम लोग बाजार समिति गए, मुन्ना जी से आपको मिलवाएं, उसके बाद मंटू जी के गोले में गए केला के लिए। अब दुकान आए हैं, अब पूजा पाठ करेंगे, फिर बैठते हैं आराम से।
तो शोरूम में आ गए हैं और ये दोपहर का समय है, लगभग 3 बज रहा है। तो 3 बजे खाना उना खा करके शोरूम में आए हैं। शोरूम में क्या हमारे नीचे का दृश्य है, रोज़ आपको तो ऊपर वाला दृश्य दिखाते हैं, तो ये हमारा नीचे वाला दृश्य है। तो अभी हम नीचे बैठे हुए हैं, तो सोचे कि आज ऊपर नहीं जाएंगे, मिजाज थका हुआ है, मिजाज ठीक भी नहीं है मन भीतर से, तो सोचे कि नीचे से ही आपसे बात कर लिया जाए। तो हम नीचे बैठे हुए हैं और ये हमारा शोरूम का नीचे वाला है। भाई सामने रोड है, देख सामने रोड है, हमारे दुकान के ऊपर श्री बजरंग ट्रेडर्स का बोर्ड टंगा हुआ है, आप बोर्ड देख सकते हैं। इधर लकड़ी भी रखा हुआ है, चूँकि हम लोग का मूल काम लकड़ी का ही है, तो लकड़ी भी रखा हुआ है। इधर दीवान वगैरह रखा हुआ है, देखिए ड्रेसिंग रखा हुआ है बिना पेंट किए हुए, इधर बिना पेंट किए हुए सोफ़ा है, यही यहाँ है हमारा। दोस्तों आज के खाने में है चावल है, आलू परवल की सब्जी है और सलाद है, मस्त भोजन है, यही आज का भोजन है, सादा भोजन उच्च विचार। तो आज हम लोग सादा भोजन कर रहे हैं, कल चूँकि पकौड़ा हो गया था, बहुत बेकार काम हो गया था पकौड़ी खाने से। दोस्तों रात के लगभग 9 बज रहे हैं और खाना पीना खा के हम अब आराम करने जा रहे हैं। देखिए आज चावल, शुद्ध चावल और ये आपको आलू परवल की सब्जी और सलाद हम खाएं, शुद्ध सादा भोजन। आप भी सादा भोजन कीजिए, मांसाहार में कुछ नहीं है। अब एक तो भाई बिहारी हैं, हम भी बिहारी के हैं, एक तो बिहारी हैं, चाइना में शादी की है, वो झींगा और वगैरह ही खा रहे हैं, जब हाल है भाई। अब चाइना में जाके ये सब खाने का क्या ज़रूरत है, चाइनीज लड़की शादी की है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये सब खाने का क्या ज़रूरत है, कोई चीज़ का अस्तर होता है। चलिए ठीक है, सलाह देना मेरा काम है, सलाह देने वाला भी युग नहीं है। तो ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।